अच्छा लग रहा है, केवल मात्र 5 रुपए में आपको प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने को मिल रहा है। खूब सारे पशु पक्षी हैं यहाँ पर। पशु नहीं पक्षी, हाँ पशु। फ्रेंड्स, हम लोग वॉच टावर के ऊपर आ चुके हैं और यहाँ से आप लोगों को व्यू दिखाते हैं किस तरह का यहाँ का व्यू है। तो यहाँ पे विदेश से भी टूरिस्ट घूमने के लिए आए हैं। यहाँ पे विदेश से टूरिस्ट आए हैं, सोच सकते हैं आप कितना बड़ा ये टूरिस्ट हब बन चुका है। तो हेलो फ्रेंड, हाय, हेलो, वेयर आर यू फ्रॉम? स्पेन। स्पेन, सो व्हाट्स योर नेम? डिएगो। डिएगो, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम आए आप लोगों को दिखाने के लिए दिल्ली से 50 किलोमीटर दूर सुल्तानपुर नेशनल पार्क, जो कि बहुत ही भव्य पार्क है। आप लोगों को बहुत ही बड़ा है, आप लोगों को दिखाएंगे किस तरह का यहाँ का पार्क है। ये टोटल 3 किलोमीटर में फैला हुआ है। बताएंगे आप लोगों को यहाँ का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन क्या है, यहाँ का ओपनिंग टाइम क्या है, और यह कितने हफ्ते में कितने दिन खुला रहता है, इन सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे। टिकट का प्राइस क्या है, तो आप लोग बने रहिए हमारी वीडियो के अंत तक। और हम अभी आ चुके हैं गेट के पास, सुल्तानपुर नेशनल पार्क का जो गेट है, यहाँ पे आप हम लोग आ चुके हैं और अब हम लोग अंदर जाने वाले हैं। तो हम लोग चलते हैं अंदर, अंदर चल के आप लोगों को अंदर का व्यू दिखाते हैं। तो हम लोग चल रहे हैं अंदर अब। तो फाइनली फ्रेंड्स, हम लोग टिकट लेके अंदर आ चुके हैं। टिकट का प्राइस कुछ इस तरह था, अगर आप इंडियन के लिए लेते हैं तो उसके लिए 5 रुपये चार्ज है, और अगर आप विदेशियों के लिए लेते हैं तो उसके लिए 40 रुपये का चार्ज है। यहाँ पर मैप दिया गया है, आप जहाँ भी जाना चाहते हैं इसमें मैप के अकॉर्डिंग आप जा सकते हैं। यहाँ पर मैप दिया गया है। यहाँ पर टोटल एरिया नेशनल पार्क का 352 एकड़ है और टोटल लेंथ ऑफ नेचर ट्रेल 3.5 किलोमीटर है। ये आप देख सकते हैं कितना बड़ा, 3.5 किलोमीटर में फैला हुआ है। तो आप लोगों को बताएं कि यहाँ का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है MG रोड, जो कि वहाँ से कुछ ही दूरी पर ये नेशनल पार्क बना हुआ है। और अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो ये फारूक नगर रोड में स्थित है। और हम चलते हैं, ये दिल्ली से 50 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। हम लोग बहुत ही ज़्यादा वहाँ से चल के आए हैं यहाँ पर, और आप लोगों को अंदर चल के दिखाते हैं। और यहाँ पे हमारे भैया सब आए घूमने के लिए, जो कि बहुत दूर से आए हैं। भैया आपका नाम? हमारा नाम शुभम, मुजफ्फरनगर से। हम मुजफ्फरनगर से आए हैं सुल्तानपुर पार्क देख। मुजफ्फरनगर से? हाँ, तो बहुत दूर से, बहुत दूर से आए हैं। यहाँ आके आपको किस तरह का महसूस हो रहा है? बड़ा अच्छा लग रहा है, केवल मात्र 5 रुपए में आपको प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने को मिल रहा है। खूब सारे पशु पक्षी हैं यहाँ पर। पशु नहीं पक्षी, हाँ पशु, पशु भी हैं। देखिए पशु हैं, गाय हैं, बहुत सारे। यहाँ पे आप आइए और यहाँ का आनंद लीजिए। और ये हमारे साथ हमारे अमरिंदर हैं, ये पटना बिहार से आए हैं। और ये हमारे बुलंदशहर से मिस्टर पंकज जी हैं। पंकज जी, हाँ।
ये हमारा आपके चैनल पे हम दिखा रहे हैं आपको लाइव सारी चीजें क्या है, यहाँ नेचुरल ब्यूटी का हब नेचुरल ब्यूटी सकते हैं। हाँ हाँ नेचुरल ब्यूटी का हब है, बहुत बड़ा भी है बहुत अच्छा भी है। 3.5 किलोमीटर एरिया में, हाँ 3.5, हाँ 3.5 किलोमीटर के एरिया में है जो बहुत अच्छा है। नाइस टू मीट यू भैया। ओके जी, ओके, थैंक यू, नाइस मीट यू। फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे, ये वॉच टावर बना हुआ है बहुत ही ज़्यादा बड़ा बना हुआ है। यहाँ पे ऊपर चल के आप लोगों को यहाँ का व्यू दिखाएंगे किस तरह का यहाँ का व्यू है। तो ये बैठने के लिए टूरिस्ट जो यहाँ पे आते हैं घूमने के लिए उसके बैठने के लिए यहाँ पे जगह बनाया गया है, यहाँ पे आप बैठ सकते हैं अगर थक गए हैं तो। और यहाँ से गाड़ी चलते हैं, यहाँ पे आप वेट इंतज़ार भी कर सकते हैं गाड़ी जो घुमाने के लिए लेके आते हैं उसको, तो गाड़ी से भी आप यहाँ पे अगर थक गए तो आप यहाँ बैठ सकते हैं। तो आगे चल के और आगे आप लोगों को दिखाते हैं किस तरह का, पहले ऊपर चल के ऊपर का वीडियो दिखाएंगे उसके बाद आगे चलेंगे किस तरह का यहाँ का व्यू है। तो चलते हैं, लोग वॉच टावर के ऊपर आ चुके हैं और यहाँ से आप लोगों को व्यू दिखाते हैं किस तरह का यहाँ का व्यू है। तो आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ से, बहुत ही ज़्यादा यहाँ के लिए लोग आए हुए हैं। तो आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ पे इस तरह का यहाँ का व्यू है, वो आप देख सकते हैं चिड़िया वहाँ पे बहुत ज़्यादा वहाँ पे, वो देखिए वो छोटा छोटा दिखाई दे रहा है क्योंकि हम लोग बहुत ही ज़्यादा ऊपर आ चुके हैं, यहाँ से व्यू उसका छोटा दिखाई दे रहा है। तो फाइनली फ्रेंड्स ये हमारे भाई भी हैं और हमारे कैमरामैन भी हैं, तो दोनों मिलके वीडियो बना रहे हैं। तो आप लोग जरूर अंत तक देखें किस तरह का व्यू है, तो हम लोग चलते हैं और आगे चल के आप लोगों को दिखाते हैं। सो फाइनली फ्रेंड्स हम लोग पहुंच चुके हैं टापू के बीच, चारों ओर पानी है और बीच में टापू की तरह ये बना हुआ है। आप लोगों को दिखाएंगे अंदर में, बहुत फ़ोटो भी इसका बर्ड्स सब का लगा हुआ है, आप लोगों को अंदर का भी फ़ोटो दिखाएंगे और वीडियो भी दिखाएंगे किस तरह का यहाँ का व्यू है। ये जो चारों ओर हमारे पानी है इसमें 250 प्रकार के पक्षी उपलब्ध हैं। आप लोगों को यहाँ पे बहुत ज़्यादा पक्षी है जो कि हमारे हमसे कुछ ही दूरी पर यहाँ पे पक्षी है, तो आप लोगों को दिखाएंगे किस तरह का यहाँ पे पक्षी है। और यहाँ पे जो ये पार्क है इसमें 120 प्रकार के पेड़ लगे हुए हैं, आप लोगों को जंगल की तरह ये लगता है लेकिन बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे नेचुरल ब्यूटी जिसे कह सकते हैं, नेचुरल ब्यूटी का हब इसे कह सकते हैं आप, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा यहाँ मज़ा आ रहा है आने के बाद। आप लोग अगर आना चाहते हैं एक बार ज़रूर आएँ सुल्तानपुर नेशनल पार्क, क्योंकि ये यहाँ आके आपको बहुत ही ज़्यादा शांति और सुकून महसूस होगा। तो चलते हैं और चल के आगे आप लोगों को दिखाते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भी, टूरिस्टर भी बहुत ज़्यादा आ चुके हैं, यहाँ पे भीड़ भी बहुत ज़्यादा है। तो आप लोगों को दिखाते हैं आगे का व्यू किस तरह का है, तो चलते हैं और आप लोग पहले दिखाते हैं यहाँ नेचुरल ब्यूटी। फाइनली फ्रेंड्स यहाँ पे विदेश से भी टूरिस्ट घूमने के लिए आए हैं, यहाँ पे विदेश से टूरिस्ट आए हैं, सोच सकते हैं आप कितना बड़ा ये टूरिस्ट हब बन चुका है। तो हेलो फ्रेंड, हाय, हेलो, वेयर आर यू फ्रॉम? स्पेन। स्पेन, सो व्हाट्स योर नेम? डिएगो। डिएगो, यस, विद द फैमिली हियर टुगेदर।
Well, we have the local guide. Guide. Yeah. Well, he's a local friend. Nice to meet you. Yeah, nice Thank to meet you. Sure. So finally friends, हम लोग चारों ओर घूम चुके हैं। सुल्तानपुर नेशनल पार्क का जितना भी एरिया था हम लोग घूम चुके हैं। बहुत ही ज़्यादा थक भी चुके हैं क्योंकि ये 3.5 किलोमीटर में एरिया में फैला हुआ है सुल्तानपुर नेशनल। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग के साथ। आज के लिए इतना ही। टेक केयर। बाय बाय।